नमस्कार दोस्तों, चैनल हिमाचल रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं सांभर, जो बनाना बहुत आसान है और घर में आप बड़े आराम से बना सकते हैं। या इडली डोसा के लिए तो स्पेशल है, लेकिन आप रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। आइए देखते हैं इसके लिए, बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सांभर बनाने के लिए हम ये सब ले लेंगे, जितनी भी सब्जियां हमारे पास है सब ले लेंगे, जो मैंने काट के रखी है। ये टमाटर है, आलू है, प्याज, और ये थोड़ी सी मैंने गोभी ली है, एक शिमला मिर्च, गाजर, और ये बैंगन, और फ्रेंच बीन, ये भिंडी, और ये हरे मटर, ये अरहर की दाल ली है। थोड़ी सी ही ली है क्योंकि मैंने दो आदमी के लिए बनानी है। इसके लिए जैसे 50-60 ग्राम के करीब होगी वजन में। और ये जो है इमली मैंने पानी में भिगो दी है। इमली को जो है मसल लेंगे बड़े से बर्तन में लेके, और इसका पानी जो छान के डालेंगे। और ये हरा धनिया और हरी एक दो हरी मिर्च काट के भी ले लेंगे। जितनी भी सब्जियां मेरे पास थी वो मैंने ले ली है। अगर आपके पास कोई इसमें से नहीं भी है तो सब चलेगा, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं सांभर में। ये सारी सब्जियां मैंने धो के ले ली है। कुकर मैंने गैस पे चढ़ाया है, इसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। अरहर की दाल मैंने धो के ले ली है, इसको डाल रहे हैं सांभर में। अरहर की दाल से ही बनता है सांभर। अब ये सारी सब्जियां भी डाल देते हैं। और प्याज, हरी मिर्च, आलू, और ये सब डाल देते हैं। हींग डाल देते हैं, 1 चम्मच नमक का, नमक तो स्वाद के अनुसार ही पड़ता है। और 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है गरम मसाला जो घर में पीसा है। अभी इसको मिला देते हैं और ढक्कन बंद करके गैस ऑन कर देंगे। ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, और 5-7 मिनट के लिए इसको, पहली मिसल आने के बाद 5-7 मिनट और रखेंगे ताकि हमारी सब्जियां जो ठीक से गल जाए, उनका सूप जैसा बन जाए। थोड़ी बहुत ही बचती है, बाकी सब गल जाती है। स्टीम बनने के बाद 10 मिनट मैंने रख लिया है, अभी ठंडा हो चुका है खोलने के लिए। अभी खोल के देख लेते हैं। ये देखिए पूरी सब्जियां जो है गल चुकी है, ये बिल्कुल सूप जैसी बन चुकी है, पूरी गल चुकी है। यहाँ पर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, इमली छान के ले ली है, अभी इसको भी डाल देते हैं। जितना आप खट्टा खाना चाहें तो खा सकते हैं, सांभर जो है खट्टा ही बनता है। अब तड़का लगा लेते हैं। मैंने ये कड़छी में जो है 2 बड़े चम्मच जो है तेल के डाले हैं, तेल से धुआं निकल चुका है। अभी ये तोड़ी 3 तोड़ी हुई सूखी मिर्चें हैं, इसको डाल रही हूँ तड़के में। और ये राई, अरे ये कड़ी पत्ता, और साथ में इसको थोड़ा पका देंगे। और अभी गैस से उतार के अभी जो देगी मिर्च है 1 चम्मच इसका भी डाल रही हूँ। ऊपर डालेंगे तो जल जाएगी, इसलिए मैं नीचे उतार के ही डाल रही हूँ। और अभी तड़का लगा देते हैं, जल्दी से ढक्कन लगा देंगे। और ये सांबर मसाला है, इसमें से 2 चम्मच अभी डाल देंगे। सांबर मसाला इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। और आधा मिनट के लिए ऐसे ही पका देंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर इसमें चला जाए। सांबर तैयार हुआ है ना, बहुत ही आसान बनाना। इसमें जो है कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे अरहर की दाल और राई और कड़ी पत्ता का जो तड़का है, जिसे हम कड़ी पत्ता को हम यहाँ गंदेला भी कहते हैं। सब्जी जो भी मिले उसे आप डाल सकते हैं। इसे जो है इडली डोसा सांभर से खाया जाता है, और
चावल चपाती से भी खाया जाता है, लेकिन ये स्पेशल इडली डोसा के लिए बनता है। और इडली डोसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, उसमें मैंने इडली डोसा बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसा ही होता है सांभर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।